हेलो फ्रेंड्स, तो आप जिस व्लॉग का वेट कर रहे थे वो व्लॉग आ चुका है। लेट्स स्टार्ट। तो शादी है आज हमारे घर पर हमारी दीदी की, और यहाँ पे स्टेज का डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है। कौन सा काम आप खुद ही देख लो। तो यस, मॉर्निंग में हमें जीजू को डालना होता है माला, जिसमें हम लगाते हैं पैसा नोट, ओके कड़क कड़क, और ये ले जाएंगे हमारे जीजू। तो ये भी हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं मंडप की तरफ, कितना मंडप बन चुका है। तो डेकोरेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। लेट्स गो, दुल्हन के पास जाते हैं और दुल्हन को बोलते हैं हाय बोलने के लिए हमारे ब्लॉग्स में। तो ये रहा दुल्हन का रूम, ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो इनके पास हम आ गए और इनको मैंने कहा कि हमारे ब्लॉग में हाय बोलो। तो ये हमारी दुल्हन, ये हमारे घर पे मेहमान आए हैं, मासी है मेरी। देंस आ जाओ, छत पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो छत पे जो मेहमान आए हुए वो भी मुझे बहुत कॉपीड के वीडियो बना। शादी का वेट हम कब से करते कि शादी का डेट कब आएगा। तो आज वो दिन आ चुका है और शादी भी हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि शादी जल्दी हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ, हर एक रस्म, हर एक फंक्शन। तो जितना मेरे से होगा आई विल शेयर विथ यू फ्रेंड्स। तो ये हमारा मंडप देखो, ये हल्दी के दिन बनाया गया था। ओके, हल्दी के टाइम पे ये सब लगता है। तो चलो देखते हैं खाने में क्या बन रहा है। तो स्वीट जो मुझे बहुत पसंद है, छेना, वाइट छेना, ऑरेंज छेना आपको दिखाया मैंने। अब आते हैं, देखते हैं घर हमारा बाहर से कैसा लग रहा शादी के दिन। तो पूरा लाइटिंग किया हुआ है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो बात करते हैं मेहमान की। तो मेहमान ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो चाउमीन, पानी पूरी, गोलगप्पा, छोला और भी बहुत कुछ नाश्ता वैराइटीज यहाँ पे है। तो शादी का घर है और हम तो इतना कुछ खा भी नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि जिस घर में शादी होती है वो इतना एंजॉय नहीं कर पाता खाने पीने में। तो हम तो व्लॉगिंग में और वीडियो में ही लगे रहेंगे क्योंकि वो हमारा पैशन है। सो रात हो चुकी है और अब हम रेडी भी हो गए हैं, बस वेट कर रहे हैं। आओ देखो, तो इट्स मी। ओके सो अब जाएंगे नीचे और फिर थोड़ा टाइम के बाद हम भी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मैंने पानी पूरी ट्राई किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने पिया मैंगो जूस, बहुत स्वीट था वो। फिर हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद स्टेज पे। तो लेट्स सी, मैं आपको मिलाऊंगी मेरी दीदी से जिनका नाम है सोनी दीदी, उनको भी आज ब्लॉग में आना है। वो पानी और लेकर आएंगी और फिर मैं उनका क्लिप लेने वाली हूँ वीडियो के थ्रू। तो शादी का दिन होता है, बहुत काम भी होता है और उसके बीच मैंने वीडियो बनाया है। तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना फ्रेंड्स। ओके, तो ये रही दीदी, पानी पूरी गया पेट में। अब मैं जा रही हूँ स्टेज पे। तो ये मेरा स्टेज का सीन है, स्टेज भी बहुत ही अच्छा लगा, वंडरफुल। एंड उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। एक पूरा सोफा देख लो कि पूरा घर के सामने ही हमने पूरा मंडप और स्टेज लगाया था, तो बहुत अच्छा दिखा था पूरा व्यू शादी का। और यहाँ सारी मेरी फैमिली खाना खाते हुए, दीदी हैं यहाँ पे, भाभी हैं और मम्मी भी हैं यहाँ पे, अभी आएंगी। तो मम्मी को भी आपको दिखाऊंगी मैं। ये मेरी दीदी, इससे मैं आपको ऑलरेडी मिला चुकी हूँ। ये प्रीति दीदी हैं, ये सब सालिया है हम लोग। हाँ, और ये भी नीति दीदी है। अब मेरी मम्मी की पारी। तो ये मेरी मम्मा है, हाय बोलो मम्मा। ओके, तो ये मेरे बड़े भाई हैं। फिर फाइनली जिसका वेट था हमें, हमारी बारात आ चुकी है फ्रेंड्स। ओके, तो बारात आई लगभग 10 बज गया था क्योंकि आज के दिन बहुत लगन था। तो ट्रैफिक की वजह से और बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था आने में, बट फाइनली हमारी बारात बहुत ही अच्छा लाया था। सब लोग देख के बहुत खुश हुए एकदम। आपको दिखाऊंगी बारात का पूरा व्यू। तो यहाँ पे सब बाराती नाच रहे हैं क्योंकि इनको डांस करना तो आता नहीं, तो भीड़ में तो कोई भी डांस कर ले, डांस कर लें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम करेंगे तो आप देखना। ओके, सो यहाँ पे इनका डांस हो जाएगा, इनको साइड में करेंगे हम लोग, फिर हमारी पारी फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे नाच रहे हैं और साइड में हम भी जाएंगे डांस करने के लिए, जहाँ पे म्यूजिक तो नहीं है बट जो भी है बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ का भी वीडियो ले ले वरना बोलेंगे कि हमारा वीडियो लिया नहीं गया। और बारात का भी व्यू आपको दिखाऊंगी पूरा एंड से लेके स्टार्टिंग तक। यहाँ देखिए अंकल कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, है ना, जस्ट लाइक वाओ। बारात का व्यू देखो कितना अच्छा, बारात जीजू ने लाया था, देख के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो इसके अंदर बैठे हमारे जीजू, तो अभी इनका भी शक्ल मैं आपको दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। तो
तो यहाँ हम डांस करने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे म्यूजिक में। तो ये हैं जीजू, आ गए हैं, बहुत वेट कराया इन्होंने। फिर यहाँ पे हम डांस करना शुरू कर दिए।
लिए आप जाते हैं दुल्हन के पास, तो ये है हमारी दुल्हन जिसको रेडी कर रहे हैं। मैंने भी हेल्प की थी, तो कैसी लग रही है बताओ फ्रेंड्स। तो अब जाएंगी दुल्हन हमारी स्टेज पे, तो यहाँ से उनका एंट्री स्टार्ट होता है। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना, मैं दिख रही हूँ ना बस भैया। फिर उसके बाद एंट्री का सीन लेने वाले हैं, तो यहाँ से दुल्हन को लेके जाएंगे हम लोग स्टेज पे। तो मुझे मेरी साड़ी भी संभालनी थी और इनका लहंगा भी, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ बट आई मैनेज। फिर यहाँ पे इतना कैमरामैन फोटो पूछो मत, इससे अच्छे फोटो तो मैं खींच लूँ, है ना। मेरा वीडियो ब्लॉग तो अच्छा लगता है ना आप लोग को। तो हम लोग फाइनली स्टेज पे आ गए और अभी यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, यस वरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को। देन स्टेज पे देने के लिए आशीर्वाद आ गए थे बड़े मम्मी पापा, फिर उसके बाद उनके मम्मी पापा हैं, वन बाय वन सब आशीर्वाद देने वाले हैं। उसके बाद हम अपना वीडियो स्टार्ट कर दिए, फिर अब हम भी जाएंगे स्टेज पे। सो ये सब है, ये मेरी फैमिली है, तो भाई बहन मम्मा ओके, तो हम इन्हें आशीर्वाद देते हुए फिर उसके बाद आएंगी सारी सालियाँ। तो काउंट कर लेना आप लोग की कितनी सालियाँ हैं जीजा की। तो नेक्स्ट स्टेप में वो आने वाले हैं, तो क्लिप बहुत बड़ा होने वाला है, तो इतना कुछ मैं बोलूँगी नहीं, बीच बीच में म्यूजिक भी रहेगा, तो आपको मेरी बातें इतनी सुननी नहीं पड़ेगी। फिर ये हमारे जीजा जीजू, ये सब सालियाँ हैं हम, मैं मेरी बहन। के बाद हमारा इतना काम नहीं है, तो अब बारी सालों से है जब हम जाएंगे सभी साले जीजू के। तो फिर मैं गई और मैंने चेंज कर लिया और मुझे एक शो गई थी फ्रेंड्स कि बहुत थक गई थी मैं वीडियो बनाने में और सबको रेडी करने में भी। तो मॉर्निंग में मैं उठूंगी और फिर डायरेक्ट मैं जब उठी तो सही टाइम पे उठी, तो फटाक से आके मैंने यहाँ का क्लिप ले लिया कि जब दी और जीजू खिलाएंगे इन्हें दही कुछ करते, यहाँ भी एक रस्म होता है, उतना मुझे आइडिया नहीं, सो आप देख के समझ जाओ फ्रेंड्स।
मोमेंट को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आप देख के समझ जाओ। बिकॉज जिस बहन को हम लोग इतने सालों तक साथ में रखते हैं, फिर एक टाइम आता है कि उनको जाना पड़ता है, तो ये पल बहुत ही डिफिकल्ट होता है हर एक लड़की के लिए। सो ये मैंने कैप्चर किया बिना इन्हें बताया, तो देख के शायद देखो अच्छा लगेगा। सो बताना मुझे। तो यहाँ पे उनकी विदाई तो नहीं हुई, बट यहाँ पे एक रस्म बोलते हैं कि वापस जाती हैं कार में, फिर वापस घर में आते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे तो फिर डायरेक्ट अपने घर जाएंगे। सो यहाँ पे मम्मी पापा से उन्हें मिला, बाकी सबसे मिलने के बाद वो कार में बिठा दिए थे हम लोग, और कार में साथ में इनके साथ में एक लड़की थी, बिकॉज जीजू का कुछ रस्म बाकी था साइड में, तो वो करने के बाद विदाई होगी। हमारा तो बस एक ही रस्म होता है फेवरेट जूता चुराई का, जो कि हम अभी करने वाले हैं। तो इनकी जो साली है तुलसी, वो उन्होंने जूता ले लिया है, अब देखते हैं कि वो कहाँ छुपाने वाली है जूते को। सो उसने यहाँ पे रखा जूता साइड में कोने में छुपा दिया है, और अब जब जाएंगे तो हम कैसे यही रस्म है जो हमें अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता होगा, हाँ बताना मुझे कमेंट में। सो उसके बाद का रस्म जो होता है ये भी एक लास्ट रस्म है, फिर उसके बाद विदाई हो जाएगा। तो पापा जीजू को सब देते हुए, जो भी कैश गोल्ड ओके आशीर्वाद देते हुए, ये है हमारी दीदी के भाई जिन्होंने उनको दिया अंगूठी और चैन।